हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई है। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी हम बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई है। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के बीच में सभापति महोदय। और इसी में मैं बहुत बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6000 रुपए में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उनका एक सपना था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए, और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया। 42,000 करोड़ रुपए की योजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा। और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। यह परिवर्तन का स्केल, आजादी से 2003 तक 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, 56 साल 7.5 लाख हेक्टर की सिंचाई हुई थी, और 20 वर्ष में 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई हुई है, 6 गुना। और जहां अब फिर उत्तेजित हो गए, और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना में 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दिलवाई। ये इसी बात का उदाहरण है सभापति महोदय कि डबल इंजन यानी डबल विजन, तुष्टिकरण से किसान का भला नहीं होता बल्कि संतुष्टिकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें हमारे सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता है, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाते। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है सभापति महोदय। हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया, मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी,
गोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।